एविन एम्ब्रियोलॉजी द ब्लास्टोलेशन फर्स्ट द कॉन्टेंट्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोडर्म दैन सब जर्मिनल स्पेस दैन ऐपी ब्लास्ट एंड हाइपो ब्लास्ट एंड द ओवरऑल स्केच ऑफ चिक ब्लास्टुलेशन। बलास्टोडर्म फॉर्मेशन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अबाउट द एवियन एम्ब्रियोलॉजी, एवियन मीन बर्ड्स की अगर एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करते हैं जो मॉडल हमारे पास दैट इज द चिक एम्ब्रियो तो चिक एम्ब्रियो को एज ए मॉडल स्टडी किया जाता है फॉर एवियन एंड इवन फॉर द रेप्टाइल्स उसके रीज़न ये है कि जो बर्ड्स के जो है दे आर ईजीली अवेलेबल ईजीली अवेलेबल हैं उनकी हैचिंग और उनके जो डिवेलपमेंटल स्टेजेस हैं उनको हम बड़ी आराम से ईजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको सो डिवेलपमेंटल स्टेज़स में एवियन में जो सबसे पहले जायगोट जाइगोट के बाद क्लीवेज होगी सेल डिवीजन होगी एंड देन उसके बाद देर विल बी ब्लास्टुलेशन मोरूला बनेगा मोरूला से ब्लास्टूला बनेगा या ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस होगा उसके बाद गैस्ट्रुलेशन एंड सो सोआन जगह डेवलपमेंट होगी तो अगर हम बात करें एवियन का जो एग है या चिक एम्ब्रियो जो है उसमें मोस्ट ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द योक तो जो सेल हैं दे आर एक्चुअली लिमिटेड टू तो वन एंड ऑफ द एग जो एग का जो एक छोटा छोटा सा एंड होगा अपर साइड होगी उसके ऊपर तमाम सेल सेल्डवियन वहीं हो रही होती हैं जबकि मेजोरिटी ऑफ एग जो है वो दैट इज़ फील्ड विद अ योग और वहाँ किसी तरह की कोई सेल डिविजन नहीं होती है तो जब ये क्लीवेज आगे प्रोसीड करेगी तो कॉन्टिन्यूस क्लीवेज की वजह से जो अपर लेयर है जहाँ यानी कि शुरू में साइटोप्लास मौजूद था वहाँ सेल्स की दे आर कीप ऑन डिवाइडिंग और डिविजन की वजह से हीज नंबर ऑफ सेल्स जो है वहाँ जमा हो जाएंगे अबाउट सिक्सटी थाउजेंड सेल जब वहाँ जमा हो जाएंगे तो उस एक लेयर ऑफ सेल्स बन जाएगी तो उसको हम ब्लास्टोडम का नाम देते हैं अब ब्लास्टोडम इनिशियली जो है इट इज़ कनेक्टेड टू द योक योग के साथ कनेक्टेड होती है और योग को एज ए फूड जो है वो यूटिलाइज कर रही होती है जैसे जैसे योग नीचे से यूटिलाइज होगा तो ब्लास्टोडर्म के नीचे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी इस स्पेस को हम जो है वो सब जर्मिनल स्पेस का नाम देते हैं तो एक्चुअली ब्लास्टोडर्म और इसके बाद स्पेस है जिसको हम सब जर्मिनल स्पेस कह रहे हैं उसके बाद नीचे योग होगा सब जर्मिनल स्पेस नॉर्मली जो है वो फ्लूड फील्ड होती है इसके अंदर जो है वो लिक्विड जो है वो या एक कह सकते हैं कि फ्लूड फिल मटीरियल जो है वो मौजूद होगा अगले स्टेप के ऊपर जाकर जिस सब जर्मिनल स्पेस सब जर्मिनल स्पेस आमतौर पर मल्टी लेयर होती है तो इट विल स्प्लिट इनटू टू लेयर्स तो ये दो लेयर्स में स्प्लिट कर जाएगी जो अपर लेयर होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द एपी और जो नीचे वाली लेयर बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज द हाइपोब्लास्ट अब एपी और हाइपोब्लास्ट के दरम्यान में हमारे पास जो है वो स्पेस होगी एंड दिस स्पेस इज एक्चुअली कॉल्ड द ब्लास्ट अच्छा यहाँ हम देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्राम दैट ऑफ द एम्फीबियंस एम्फीबियंस और काइनोड्राम्स से डिफरेंट है ये वो इस तरह से है कि आम तौर पर जब एम्फीबियंस के अंदर जब ये बनता है तो इसमें सेल्स जो है वो लेयर स्प्लिट होकर ब्लास्टोसील नहीं बनाती हैं बल्कि नॉर्मली सेल अपने आप को एक सर्कल में अरेंज करते हैं जिसके दरम्यान में एक कैविटी होती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं दिस इज द केस फॉर एम्फीबियन एंड द अकाइनोडर्म्स लेकिन बर्ड्स के केस में सेल्स किसी कैविटी के गिर्द अरेंज नहीं होते हैं बल्कि जो ब्लास्टोडर्म है इट स्प्लिट्स इनटू टू लेयर्स एपी एंड हाइपोब्लास्ट, उनके दरमियान में हमारे पास जो है वो ब्लास्टोसील जो है वो बन जाती है अब फर्दर जो आगे स्टेजेस चलेंगे गैसटोलेशन वो उसमें ब्लास्टोसील के अंदर ही सेल की माइग्रेशन होगी हेर वी द डाग्राम इस डाइग्राम में हम देख सकते हैं कि टॉप जो फिगर हमारे पास है इट इज़ शोइंग दैट द सेल्स आर डिवाइडिंग इन द एनिमल पोल ये वो सेल है यानी अगर मैं इसकी थोड़ा सा डायग्राम ड्रा करूँ तो अगर हमारे पास ये एक एग सेल है या एम्ब्रियो है तो उस पर सिर्फ जो टॉप वाली लेयर है यहाँ सेल डिवीजन हो रही है इस पॉट पे सेल डिवीजन हो रही है जबकि बाकी सारे के सारे एरिया जो इट इज़ कवर्ड बाय द योक अब जो टॉप पे हमारे पास एक डिस्क शेप में सेल जो है डिवाइड करेंगे सेल्स की एक छोटी सी लेयर या डिस्क बन जाएगी और इसी लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या नाम देंगे ब्लास्टोडर्म का नाम देंगे सेकेंड में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ब्लास्टोडर्म जो है बन चुकी है ब्लास्टोडर्म जब अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी थाउजेंड सेल्स पर पहुँचती है तो फिर इसके नीचे एक स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है जिसको हम सब जर्मिनल स्पेस कहते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये सब जर्मिनल स्पेस थोड़ी सी एक्सटेंड करेगी और इसमें ये बाकायदा फ्लूड फिल्ड स्पेस के तौर पर जो है वो हमारे पास आ जाएगी लास्ट स्टेप जो ब्लास्टोलेशन का है दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द ब्लास्टोडर्म के ब्लास्टोडर्म स्प्लिट कर जाएगी अपर लेयर ब्लास्टोडर्म की है इट इज़ कॉल्ड एपी ब्लास्ट एंड लोअर लेयर ऑफ ब्लास्टोल निकालता हाइपोब्लास्ट और इनके दरमियान में हमारे पास जो है वो ब्लास्टोसील विल अपीयर ब्लास्टोसील का अपीयर होना एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट का बनना जो है दिस द कंप्लीसन ऑफ ब्लास्टुलेशन